हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, इस वीडियो में ज़बरदस्त अपडेट देने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना। और जो फॉक्स नेटवर्क को स्कैम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक स्पेशल मैसेज है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपने अगर सेलिंग के लिए 200 से 300 कॉइन के बीच का अमाउंट डाल दिया है, चाहे वो पेपाल में हो या फिर बैंक अकाउंट में, वो लोग देख लो। लेकिन उससे पहले जो दो पेमेंट प्रूफ थे, वो भी इन्होंने इनकी यूट्यूब चैनल है वहाँ पर शेयर कर दिए हैं। तो आपको भी पेमेंट मिल जाए तो आप भी एक छोटा सा वीडियो ज़रूर से बनाना और फिर जो इसकी कोर टीम है वहाँ पर सेंड कर देना, या फिर कम से कम मुझे सेंड कर देना तो मैं उन तक पहुँचा दूँगा। ठीक है, आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो उसको हाइड ज़रूर से कर देना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, ये बिटकॉइन लेजेंड माइनिंग की एप्लीकेशन है, इसको भी आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो फटाफट से इसको भी ज्वाइन कर लेना। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और ये ऑलरेडी लिस्टेड टोकन है, तो ये भी मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, इसकी भी फुल पॉसिबिलिटी है। तो अभी भी इसमें बहुत ही लंबी माइनिंग चलने वाली है, तो आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो अब जो हमारे फ्रेंड्स नए हैं वो देख लो कैसे सेल करना है। तो सबसे पहले नेम डालना है, तो आपने जिस नेम से KYC की है वही नेम डालना, यानी जो आपके ID कार्ड का नेम होगा वही नेम यहाँ पर डालना है। फिर जिस ID कार्ड से आपने KYC की है उसका नंबर डालना, बैंक में लेना हो तो बैंक में, पेपाल में हो तो यहाँ पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर बैंक का नेम डालना है तो पूरा नेम डालना, IBN नंबर, तो यहाँ पर आपको जो आपकी बैंक है उसका नंबर डालना है, यानी आपका जो बैंक अकाउंट का नंबर है वो यहाँ पर डालना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर स्विप कोड है, तो ये स्विप कोड हर एक बैंक के लिए अलग अलग रहता है, तो शहर के हिसाब से ये स्विप कोड भी बदलता रहता है। अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो तो इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, उस वेबसाइट पर से ये स्विप कोड है वो आप पता कर सकते हो। अगर गांव में या फिर छोटे इलाके में रहते हो तो आपको अपने बैंक में जाना पड़ेगा और वहां से आपको स्विप कोड को पूछना पड़ेगा, तो वो लोग आपको स्विप कोड बता देंगे, तो वो यहाँ पर डाल देना। अब यहाँ पर ब्रांच है तो ब्रांच का नेम डालना है। अब यहाँ पर एंटर अमाउंट है, तो आपका जो फॉक्स कॉइन होगा उसका अमाउंट डालना है। ये अमाउंट 200 कॉइन से लेकर 300 कॉइन के बीच में होना चाहिए, 200 भी डाल सकते हो, 300 भी डाल सकते हो, उससे ज़्यादा मत डालना। ठीक है, और फिर सबमिट पर क्लिक कर लेना। तो जो पेपाल वाले हैं वो भी देख लो, पेपाल पर सेम कंडीशन है, नेम डालना, आईडी कार्ड का नंबर डालना। यहाँ पर पेपाल का आईडी यानी आपका जो मेल आईडी होगा, जिस मेल आईडी से आपने पेपाल में अकाउंट बनाया होगा वो डालना होगा। अब यहाँ पर 200 से 300 कॉइन के बीच का अमाउंट डालना है, फिर सबमिट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब जो इसकी मेन बात है कि आपको विड्रॉल मिल जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा वो भी देख लो। तो उसके लिए राइट हैंड साइड सबसे टॉप पर ये लोगो है, उस पर क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर आपकी जो सेल की हिस्ट्री होगी उसका पॉपअप आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, आपने कितने कॉइन सेल करने के लिए डाले हैं वो आ जाएंगे और फिर पेंडिंग शो हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ लेना कि आपकी जो विड्रॉल की रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब जब आपको यहाँ से अप्रूवल हो जाएगा यानी विड्रॉल मिल जाएगा तो ये अप्रूव्ड ऐसा लिखकर शो हो जाएगा, तो आप समझ लेना कि आपका आपका विड्रॉल है वो बैंक अकाउंट में या फिर पेपाल के अकाउंट में मिल चुका है। तो उसके लिए भी जो वीडियो आया है वो भी देख लो। तो आपको YouTube के चैनल पर चले जाना है, इस तरीके से एक चैनल है Web3 Blockchain, तो ये जो फॉक्स नेटवर्क है इसकी ऑफिशियल चैनल है, इस पर आ जाना है। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देख लो, ये पेमेंट प्रूफ है फॉक्स नेटवर्क का, आज ही आया हुआ है, तो आप इसको देखना चाहो तो देख लेना। इस बंदे ने सब कुछ हाइड कर दिया है, लेकिन ये जो सबसे टॉप पर अप्रूव वाला सेक्शन है उसको इसने खुला रखा है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि आपका जब भी विड्रॉल आपको मिल जाएगा तब अप्रूव शो हो जाएगा, तो आप समझ लेना कि आपका विड्रॉल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब ये एक शॉर्ट वीडियो है, तो ये दोनों नाइजीरिया का वीडियो है, तो इन दोनों नाइजीरियंस को इनका विड्रॉल मिल चुका है, तो इन्होंने अपना जो पेमेंट प्रूफ है वो यहाँ पर शेयर किया है। तो इस तरीके से आप भी अपना पेमेंट प्रूफ शेयर करना और थोड़े अच्छे से शो करना, जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने पूरा मैसेज ही ढक दिया है, इस तरीके से आप ढक मत देना। ठीक है, आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो वही हाइड करना, ताकि थोड़ा खुला रखना तो जिससे हमको भी पता चले कि भाई आपका विड्रॉल मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों वीडियो अच्छे से देख लेना, इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा पेशेंस रखो, इसकी जो कोर टीम है वो एक्टिव है और इसके मॉडरेटर्स भी यहाँ पर एक्टिव है। तो यहाँ से एक बात याद रख लो कि
कि जितने भी नेटवर्क्स है जिन्होंने मॉडरेटर्स को रखा है तो वो मॉडरेटर्स ऐसे ही नहीं रखते। अगर मॉडरेटर्स को रखा है इसका मतलब साहब है कि भाई वो प्रोजेक्ट है वो आगे भी रन करने वाला है, तो इसका साफ मतलब होता है कि वो प्रोजेक्ट है वो लेजिट है। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा उतावले मत बनो, थोड़ा पेशेंस रखो। जैसे जैसे अपडेट आएगी वैसे वैसे हमको समझ में आने लगेगा कि क्या ये स्कैम है या फिर लेजिट है। अगर ये नेटवर्क स्कैम होता तो इनको फॉक्स एक्सचेंज की एक अलग से एप्लीकेशन लाने की क्या ज़रूरत थी, फिर एक वॉल्फ नेटवर्क की है और दूसरी भी एप्लीकेशन है तो उन सबको लाने की क्या ज़रूरत थी, फिर इनको KYC करने की क्या ज़रूरत थी, और उसके बाद जो कॉइन सेलिंग है और इसकी लिमिट लगाने की भी क्यों ज़रूरत थी। अगर वो चाहते तो फॉक्स नेटवर्क की एप्लीकेशन है उसको ही क्लोज कर देती ना और फिर स्कैम करके भाग जाते। जितने भी एडवर्टाइजमेंट चली है उस एडवर्टाइजमेंट से जो उनको प्रॉफिट होता वो मिल जाता, इतनी सारी माथाकूट करने की क्या ज़रूरत थी। तो यहीं से हमको समझ में आता है कि ये इतनी जल्दी भागने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा पेशेंस रखो और जो अपडेट आती है उसको अच्छे से चेक करते रहो।